हेलो दोस्तों, चलिए जैपनीज माइथोलॉजी में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और जैपनीज माइथोलॉजी के वन ऑफ द वर्स्ट माइथोलॉजिकल डीमन जिकी निनकी को डिस्कस करते हैं, जिसकी प्रेजेंस एक टेरिबल एक्सपीरियंस से कम नहीं। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। जापानीज बुद्धिज्म में जिकी निनकी डेड बॉडी को खाने वाले गोस्ट या डीमन हैं, जिन्हें मॉडर्न जापान में शोकुजिंकी या वेंडिगो के नाम से भी जाना जाता है। ये उन लालची, स्वार्थी और दूसरों का बुरा चाहने वाली इंसानों की आत्माएं हैं, जिन्हें उनके कर्मों के कारण डेड बॉडीज को ढूंढकर खाने के लिए कर्ज दिया गया है। जिकी निनकी अपने इस काम को रात के अंधेरे में अंजाम देते हैं, जो कई बार डेड बॉडीज को भी लूट लेते हैं ताकि वो इसका यूज करके लोगों को परेशान कर सके। लेकिन जिकी निनकी इस तरह से शराब के कारण डेड बॉडीज का मीट खाने पर शोक भी करते हैं, जिन्हें उनका ये काम दर्दनाक और घिनौना लगता है। जिकी निनकी की अपीयरेंस के बारे में कहा जाता है कि वो सड़ते हुए शवों की तरह दिखते हैं, जिनमें कुछ इन ह्यूमन फीचर्स जैसे कि तेज पंजे या चमकती आंखें प्रेजेंट होती हैं। इन्हें देखना एक टेरिबल एक्सपीरियंस जैसा है, जिन्हें अगर कोई जिंदा इंसान देख लेता है तो वो पागल हो जाता है। हालांकि कई कहानियों के अनुसार इनके पास खुद को आम इंसानों के रूप में छिपाने की पावर्स भी होती है, जो दिन में सामान्य जीवन भी जी सकते हैं। जापानी बौद्ध धर्म में जिकी निनकी 26 क्लास के प्रेत हैं, जिन्हें कभी कभी राक्षस या गाकी का भी रूप माना जाता है। इन्हें इनके दयनीय अस्तित्व से सिर्फ एक पवित्र या धर्मी व्यक्ति की प्रार्थनाएं या फिर एक धर्मी पंडित ही आजाद कर सकता है। जापान में इतना पॉपुलर होने के कारण इनके बारे में एक स्टोरी भी पॉपुलर है, जिसके मुताबिक एक मुसुकोकोशी नाम का पंडित था, जो ध्यान लगाने के लिए पहाड़ पर जा रहा था, पर पहाड़ पर पहुंचने से पहले ही अंधेरा हो गया था। तभी पंडित को एक कुटिया दिखाई दी और उसने उस कुटिया के मालिक से वहाँ रहने की इजाजत मांगी, पर कुटिया के मालिक ने उसे वहाँ रहने से सख्त मना कर दिया और खाने पानी के लिए पास के एक गांव में भेज दिया। गांव में पहुंचते ही गांव के मुखिया के बेटे ने मुसो का स्वागत किया और उसके खाने और सोने का इंतजाम किया। थोड़ी देर बाद मुखिया के बेटे ने मुसो को बताया कि पिछले कल ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसकी लाश को गांव के रीति रिवाज के अनुसार सभी लोग अकेला छोड़कर जा रहे थे ताकि किसी भी गांव निवासी पर बुरा असर ना पड़े। पर एक पंडित होने के नाते मुसो ने मुखिया के बेटे से कहा कि वो लाश के साथ रहकर अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा। जब मुखिया का बेटा और गांव के लोग चले गए तो मुसो ने लाश के आगे ध्यानमगन बैठाकर अपने मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया, पर रात के सबसे गहरे हिस्से में एक शेपलेस एंटिटी मुसो के कमरे में आ गया, जिसने मुसो को फ्रीज कर दिया और खुद मुखिया की लाश और उसके साथ रखी चीजों को नोच नोच कर खाने लगा, जिसके बाद वो चला गया। सुबह जब मुखिया का बेटा और गांव वाले लौटे तो मुसो ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसे सुनने पर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मुसो ने उन लोगों से पूछा कि क्यों वो डेड बॉडी के डेथ रिचुअल को एक पंडित से पूरा नहीं करवाते, जिस पर उनका जवाब था कि गांव में सालों से कोई पंडित या पुजारी नहीं है। ये सुनकर मुसो हैरान रह गया, क्योंकि यहाँ आने से पहले उसकी मुलाकात बूढ़े पुजारी से हुई थी, फिर गांव वाले अब तक कैसे पुजारी से नहीं मिले। अपने शक को जांचने के लिए मुसो उसी पुजारी की कुटिया में वापस चला गया। इस बार उस पुजारी ने मुसो को नहीं रोका और अपनी कुटिया में अंदर जाने दिया। पुजारी ने अंदर जाते ही मुसो से माफी मांगना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वो कल रात उसकी आंखों के सामने उस लाश को खाने वाला और कोई नहीं, वो पुजारी था, जो असलियत में एक जिकी निनकी था। दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आ रही होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एक पुजारी के रूप में एक स्वार्थी जीवन जीने और सिर्फ अपने कपड़ों और भोजन की चिंता करने के कारण उसका जन्म एक जिकी निनकी के रूप में हुआ, जिसे अब दूसरों की लाशों को खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने मुसो से अपने आप को इस अस्तित्व से आजाद करने की मांग की और कुछ ही देर में मुसो उस पुजारी की कब्र पर पहुंच गए, जहां उन्होंने सेक्रेट रिचुअल्स और प्रेयर्स को परफॉर्म करके उसे हमेशा के लिए इस जिकी निनकी की जिंदगी से आजाद कर दिया। तो दोस्तों, ये था जिकी निनकी द जैपनीज डीमन, जिसे अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण ये सजा मिली। वैसे तो ये डीमन बहुत ज्यादा हॉरिफिक है, पर फिर भी इसे अपने इस घिनौने काम से नफरत है, जिससे ये चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा सकता। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।